हेलो दोस्तों, तो मैं अभी डॉक्टर के से आया हूँ और दवाई लेकर। अभी जो है 8 बज चुके हैं, थोड़ा लेट हो गया है दवाई लेने में। होम्योपैथिक की दवाई खाने लगा हूँ अब। जैसे मैं होम्योपैथिक की दवाई है और लेकर आया हूँ, अभी घर जा रहा हूँ। थोड़ा सा लेट भी हो गया। जो साथ में भाई आता है वो दवाई ले रहा था, तो जो है उसकी वाइफ को भी जो है दवाई लेनी थी, तो वह उन्हें बाइक पर ले आएगा। तो मैं पैदल पैदल ऐसे ही वॉक करता हुआ आ गया। सच बताऊँ तो मैं मोटरसाइकिल पर कम ही घूमता हूँ, अगर शामली के अंदर रहता हूँ तो, वरना वॉक वॉक करके पैदल पैदल ही ऐसे चलता हूँ। मज़ा आता है घूमने में ऐसे ही पैदल पैदल, कभी मोटरसाइकिल का सहारा नहीं लेता इतना, और हाथ पैर भी सही रहते हैं घूमने फिरने में। देखिए ट्रेनें ऐसी खड़ी है, नहीं चल रही अभी ट्रेनें, तो चलिए घर जाकर मिलता हूँ अभी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, तो कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर, इंडियन ब्लॉगर गौरव पर। मैं आपका अपना गौरव। तो शुरुआत करते हैं एक नई सुबह का। आज जो डेट है वो है 18 फरवरी 2021 और दिन है थर्सडे, बृहस्पतिवार का दिन है और सुबह हो चुकी है, 7:15 बज चुके हैं। और अभी जो है मम्मी घूम कर आ चुकी है। मम्मी घूमने गई थी 5:30 बजे। 5:30 बजे गई थी मम्मी, 5:30 बजे घूमने के लिए गई थी मम्मी। अभी जो है मम्मी खाना बना रही है। हेलो, सुबह की राम राम, बड़ो को राम राम, छोटो को प्यार। वो भी बना रही हूँ, आज मैंने खीस भी बनाया है। ये देखिए खीस भी बनाया है। जो हमारे सामने इसके मामा जी हैं, उनके यहाँ गाय भी आई थी। मामा जी के यहाँ पर गाय भी आई है, तो उनके यहाँ पर जो है उनसे दूध आया था। वो जो शुरू का दूध होता है गाय देती है, उसका खीस बनता है। तो वह खीस बनाया, देखे जो खीस होता है फट जाता है। कोई इसे पीता है तो क्या नाम, सिर में दर्द नहीं होता इससे, फिर सिर में दर्द होना बंद हो जाता है। मम्मी बना रही है, क्या बनाई मम्मी आज? आज मम्मी ने गोभी बनाई है। और घी निकाला क्या आपने? नहीं तो कल निकाल रहा। मम्मी ने जो है मलाई से घी भी निकाल लिया है अब, और जो है गोभी बन रही है। और ये देवियाँ जो है, हेलो 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 हेलो, देवियों 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 देवियों, सजनों देवियों और सजनों, खड़े हो जाओ देवी और सजनों। 7:15 हो चुके हैं देवी और सजनों, 7:15 हो चुके हैं, खड़े हो जाइए देवी और सजनों। और ये देखे फिर हमने जो है अपना जो है गिफ्ट पैक करके रख दिया अखबार से बांध कर अच्छे से, कभी ये ख़राब हो जाए। सही है भाई, फिर हम तेरा गैस वॉट। आज मेरे लिए डिनर में क्या बनने वाला है? गैस वॉट, कुछ स्पेशल बनने वाला है। चलो मैं ही बता देता हूँ, आज बनने वाले हैं कढ़ी और चावल शाम के टाइम। दही मम्मी ने जो है दही जमा दी थी, और इसमें ये रखी है, देखो ये मट्ठा रखी है यहाँ पर, कोई लस्सी बोलता है कि कुछ जगह पर। और जो है शाम को अब हमारे कढ़ी बनेगी, माई फेवरेट कढ़ी चावल। तो बहुत खुश हूँ। मम्मी ने बताया कि फिर पापा लेकर आए थे लस्सी, तो मैं सोचा कि मैं खा कि क्या नाम कढ़ी चावल बना लेना शाम के टाइम। यह कढ़ी चावल खाएंगे शाम के टाइम, मज़ा आ जाएगा। रोहित इतनी शरारत करती फिरती है ना, और एक डॉगी तो उसका ये पड़ा यहाँ पर बेड पर ही, ये रहा, इनसे खेलती फिरती रहती है। अभी शायद सोकर उठी नहीं होगी वो। वाह भाई वाह, आज नज़ारा तो कुछ अलग ही है। आज कोहरा नहीं है, धुंध नहीं है बिल्कुल भी। ओसम ओसम, मजा आ गया। ये देखिए मौसम तो आज ओसम हो रहा है, धुंध नहीं है और आसमान में बिल्कुल नीला नीला। देखिए सूरज देवता जो है निकलने वाले हैं। और फिर हमने ये सही करा, कितना अच्छा कर दिया यहाँ पर, जो स्टैंड बना दिया, स्टैंड के ऊपर जो है गमले रख दिए, बहुत ही प्यारे लग रहा है ऐसे रख कर। इसको रिपेयर करना पड़ेगा, जो हमारी जो है ये वाली स्टैंड जो हमने बनाया था बेल के लिए वो टूट गया, इसको करता हूँ संडे वाले दिन रिपेयर करता हूँ उसको। हमने काजू बोया था,
कद्दू का कोई आता पता नहीं है, जो कद्दू का बीज था वो बोया हुआ था यहाँ पर, उगाया था हमने, तो अब तक कोई तो पौध नहीं निकली, पता नहीं क्या हुआ। हमारे चने भी नहीं आए, फूल फूल आ रहे हैं चने पर भी, अब तक चने भी नहीं आए हमारे यहाँ पर, और मौसम तो एकदम सुहाना हो रहा है। चलिए नीचे चलते हैं, ठंडा भी इतनी नहीं हो रही है, ठंड तो कमी होती जा रही है अब, क्योंकि अब जो है मौसम आगे जो है चेंज ही होता जाएगा। गर्मी का मौसम दिन में आप देखते होंगे कि गर्मी होने लगती है, और सुबह सुबह और सुबह की ठंड रह गई बस, शाम की भी इतनी नहीं, रात रात की बस जो रात हो जाती है 12 बजे बाद ही ठंड होनी शुरू होती है, वह सब कुछ नॉर्मली रहता है। और यहाँ पर प्रियम ने जो इसके बर्थडे पर हम ये बैलून्स लाए थे तो ये लगा दिए, उधर कोने में जो है हमने डब्बे में ये जो है आर्टिफिशियल जो है लीव्स ये लगा दिया है। ये तो बेचारी ख़राब ही पड़ी है, इसको चेंज करना पड़ेगा। ये कर्टन मेरे रूम पे, ये लेट नाइट में कुछ ना कुछ खाता रहता हूँ 11-12 बजे, तो ये ऐसे ही रखे रहते हैं, अब साफ होएगे। कुछ ना कुछ करते ही रहता हूँ मैं, थोड़ा काम वगैरह, और अभी जो है साफ़ सफाई होनी है, उनके उठते ही फिर हम बरसतों से मिलकर साफ़ सफाई कर देगी। और ये भी ऐसी लटकी हुई है अभी, और बैलेंस तो अभी ऐसे ही है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, होली आने लग रही है आगे, तो होली पर तो बहुत मज़ा आता है, अच्छे से खेलते हैं, मज़ा आता है होली पर। और सच पता है तो ज्यादा खाने पीने के शौकीन भी नहीं है, आप वीडियो में देखते हो मैं लेकर आता हूँ, मैं पर लेकर तो जरूर आता हूँ, पर मैं थोड़ा सा कंट्रोल में लेकर आता हूँ, ज़्यादा नहीं लेकर आता कि बब्बे हिसाब खा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सबको सबको मिल जाता है। और अगर चाउमीन भी लाता हूँ मैं घर पर, तो ऐसे लाता हूँ कि 30 रुपये की या 40 रुपये की, उसमें भी बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी आ जाती है यहाँ पर शामली में, और टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अलग ही रहता है, अच्छा रहता है। गोलगप्पे भी लाता हूँ तो 10 से 12 गोलगप्पे जो एक कल तो सब गए में आ गए, तो मैं फालतू वगैरह कुछ ऐसा नहीं लाता। तो पापा जी हो गए गायब, पापा जी गए पता नहीं कहाँ गए, कहाँ गए, शादी में गए, स्टाफ में शादी थी तो पापा जी शादी में चले गए रात, तो वहीं पर ही दूर थी इसलिए हमने बोल दिया था कि रात को मत आई हो, तो पापा जी जो है रात को वहीं रुक गए थे, लेट हो गए थे तो नहीं आ सकते थे, हमने बाइक भी ले जानी थी तो कार में गए थे, तो पापा जी वहीं पर रुक गए थे, तो आ जाएंगे शादी में, दूर गए थे, आसपास भी नहीं आसपास होते तो पापा जी कहीं रुकते नहीं, आ जाते हैं रात को, और हम यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं। गोभी बन रही है मम्मी, मम्मी बना रही है आपको गोभी, बनाई मम्मी आज गोभी में उबाल के बनाती हूँ, पहले जैसे ऐसी बनाती थी मम्मी बिना उबाले, तो इतनी टेस्टी लगती थी सच बताए तो, उबालने के बाद ना आप देखते होंगे कि शादी वगैरह में भी उबाल कर ही सब्जी बनती है, जो गोभी गोभी की सब्जी बनती है तो उबाल कर ही बनती है, तो मम्मी ने जो है उबाल कर बनानी स्टार्ट कर दी, तो सभी खाते हैं, टेस्टी भी लगती है। हमारा हैंड ग्राइंडर जो है वो हैंड ग्राइंडर वो खराब हो गया, गिर गया था वो, तो मम्मी जो है सील परी, ये देखिए मिर्च और टमाटर सील परी पीस लिए हैं मम्मी ने, और जो है अभी खाने की तैयारी चल रही है मेरे लंच ले जाने की, माँ को चिंता रहती है बहुत ज़्यादा अगर खाना ना बना के देना, आज तक देखो मुझे 2 साल हो गए लगातार जाते हुए पानीपत के अंदर, हाँ 2 साल पूरे हो गए, 2 साल से ऊपर ही हो गए मुझे 10 दिन, तो एक भी दिन ऐसे नहीं हुआ कि मम्मी ने खाना बनाकर ना दिया हो, डेली का रूटीन है, मम्मी उठती है और खाना बनाकर जोड़ देती है, तो इसलिए माँ जैसा कोई नहीं सो सकता, इसलिए खाना माँ के लिए बच्चों से जबड़ का है वो रहा है क्या देख लो
तभी तो वे दोनों लौट रही है, उनको कुछ नहीं बोलेगी। मम्मी को पता है क्योंकि वे उठ जाएगी, सोकर उठ जाएगी और काम वगैरह एकदम निपटा लेगी। एक डेढ़ घंटे में सब काम निपटा लेती है, सब फिनिश कर देती है, सब ससुराल में जाकर तो करेगी। और हाँ तो करना ही है। तब कुछ तो सब्सक्राइबर पिघम के ये भी सोचते हैं कि वो काम वगैरह नहीं करती ससुराल में भी जाकर और यहाँ भी जाकर। देखो एक बात क्लियर कर देता हूँ, वो तो हमको पता है या इनको पता है, मेरी मम्मी को नहीं। या उसका ससुराल वालों को पता है। मैं बताऊँ ना, प्रियम खलावा काम नहीं करती। हाँ। प्रियम फुर्ती का काम करती है, फटाफट काम दिखाती नहीं। देखो दोनों बहनें इतनी जल्दी काम करती। पहले भी ये बात बोली थी कि शादी से पहले मम्मी भी नहीं करती थी, जब प्रियम थी तो मम्मी भी नहीं करती थी, वर्षा भी नहीं करती थी, काम सारा काम वही करती थी, घर का खाना वगैरह सब कुछ, सब ए टू जेड कार्य वो करती थी। मम्मी सिर्फ जो है कपड़े धोने में उसकी जो हेल्प करा देती थी, वरना सब सफाई वगैरह वही करती थी। वर्षा तो बस पढ़ाई करती थी। वर्षा के तो अभी जो है उसी पढ़ाई चल रही है, स्टडी चल रही है, तो उसको सिर्फ पढ़ाई के लिए। बहुत कम धुलवाती हूँ क्योंकि मेरी मम्मी ने हमारे पे नहीं कपड़े धुलवाए, हम पांच बहनें थी, कभी हमारे पे कपड़े नहीं धुलवाए, इसलिए मैं लड़कियों पे कपड़े नहीं धुलवाती। देख लो सीख ली, सीख मतलब तो आनी चाहिए। और जो आप उसकी वीडियो भी देखती होगी, कभी प्रियम की ससुराल में जो है प्रियम काम वगैरह करती है घर में, तो उसकी कभी आपने उसकी व्लॉग नहीं देखा होगा, उसने वैसे ही दिखाया होगा, तो वो नहीं दिखाती इस चीज़ को कि घर में काम कर रही है, वो कर रही है। तो आप समझ सकते हैं कि कार्य तो जरूर कर रही होगी, ऐसा तो बात नहीं, वो सोचने से कुछ नहीं होता। अभी जो है मम्मी सब्जी छोक रही है, आप देखिए मम्मी जीरा डाल रही है, मम्मी ने टमाटर डाल दिया है इसमें, मिक्स कर लेगी। तो ये मम्मी हल्दी डाल रही है, अब इसमें नमक डाल रही है। नमक मैंने पहले भी उसमें भी डाल रहा है, जब उबाली थी ना मम्मी ने एक भी तो उसमें भी डाला था, तो उसमें कमी डाली मम्मी ने। और जो है मिर्ची का जो पेस्ट बनाया था मम्मी ने वो डाल दिया। ये देखिए मसाला हो गया है और मम्मी ने इसमें गोभी डाल दिया जो उबाली थी मम्मी ने। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देगी मम्मी मसाले के साथ। इसमें पानी भी डालोगे मम्मी? नहीं नहीं, अच्छी हो जाएगी सर जी। ये गोभी गाजर भी घुटी हुई खट्टा है, इसी वजह से मुझे ज़्यादा उबालनी पड़ती है। हमारे घर में जो तीनों है ना इतना अच्छा खाना बनाती है, बहुत ही टेस्टी सच में। हाथ में इनके कुछ जादू ही है अलग ही। तो सिखाया भी तो मम्मी ने है, फिर सिखाया तो मम्मी ने ही है। सब्जी रेडी हो चुकी है, मम्मी ने गैस फ्लेम बंद कर दिया है और अब हरा धनिया रह गया, हरा धनिया इसमें डाल देगी मम्मी काट कर। तो हमारी जो है सब्जी रेडी हो चुकी है, इसलिए जो है मम्मी पहले उबाल लेती है, झटपट तैयार हो जाती है फटाफट एकदम से सब्जी हमारी गोभी की। जी रेडी हो चुकी है और मेरा भी टाइम हो चुका है, मैं नहाने के लिए जाता हूँ, फिर मुझको जाना है। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद, नहाने के बाद मैं चलता हूँ। तो ओके फाइन, तो दोस्तों मैं हो चुका हूँ रेडी और चलने के लिए तैयार। तो देखिए रेडी हो चुका हूँ और जो है मेरा लंच वो भी लग चुका है। लग गया ना लंच? हाँ लंच लग गया, फिर हमने लंच लगा दिया है। फिर हम उठ गई थी, वर्षा की तबीयत अभी ऐसी है, थोड़ा सा हल्का सा बुखार है अभी उसको, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, दवाई वगैरह चल रही है उसकी। तो लगाइए तुम लंच लगाइए। और ठीक है, अब हल्का सा बुखार है अभी। तो चलिए चलता हूँ मैं। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए आज का व्लॉग कैसा लगा, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। सब्सक्राइब करने के बाद बराबर में बेल आइकन का ऑप्शन मिल जाएगा और उसको ज़रूर ऑन कर देना, प्रेस करना उसको, और उसमें तीन ऑप्शन खुलेंगे ऑल पर जो है। तो आपको क्योंकि उसका फ़ायदा बताता हूँ मैं क्या होता है, मेरा नेक्स्ट व्लॉग आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो फर्स्ट व्यूवर और फर्स्ट कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई करूंगा जो फर्स्ट कमेंट करेगा। तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा इंस्टाग्राम पर लिंक मिल जाएगा। तो जाइए कर जाकर मुझको वहां पर भी फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम पर, आपके सवाल जवाब जो भी है तो वहां पर पूछ सकते हैं। तो चलिए अपने अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, खुद का भी ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट व्लॉग। राम राम जी, जय बजरंगबली, बाय बाय।